हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी गाइस। ये मैंने काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मंगाए हुआ है ताकि मैं आपको अलग अलग तरह की प्रोजेक्ट के वीडियो बनाकर दिखा सकूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और दोस्तों, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैंने जिस वेबसाइट से परचेस किया है उसमें काफ़ी सस्ते प्राइस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिल जाता है कंपेयर टू अमेजोन और फ्लिपकार्ट। तो आप भी परचेस कर सकते हो उस वेबसाइट से। तो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट जरूर से करना। तो बॉक्स को खोलने के बाद मुझे इस टाइप का 4 स्टिकर फ्रेम मिला है, देख सकते हो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टिकर है। और यह है गाइस बबल रैप। इसे फोड़ने में जो मज़ा आता है ना, पूछिए ही मत। तो इसे ज़रूर से हम फोड़ेंगे। आपको मज़ा आता है कि नहीं आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। एंड देख सकते हो ये मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट मंगाए हुआ है, तो एक एक करके मैं इसे खोल करके आपको दिखाऊँगा और इसका प्राइस भी मैं बताते जाऊंगा कि मैंने कितने में परचेस किया है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये मेरे पास कुछ मॉड्यूल है। तो इस मॉड्यूल का नाम है डीसी टू डीसी बूस्टर मॉड्यूल। इसकी मदद से हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। एग्जांपल के लिए, जैसे कि हमारे पास कोई 3.7 वोल्ट की बैटरी है, अगर हम उससे 12 वोल्ट की सप्लाई लेना चाहते हैं तो हम इस मॉड्यूल का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। और यह जो है 1 एम्पियर का है, 1 एम्पियर का ये लोड ले लेता है। दोस्तों ये मुझे मिला है 56 रुपीज़ का। तो चलिए अब अगला कंपोनेंट देखते हैं। ये है गाइस PAM8403 ऑडियो एम्पलीफायर मॉड्यूल। इसकी मदद से आप घर पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ स्पीकर इजीली बना सकते हो। इसे चलाने के लिए 3.7 वोल्ट की बैटरी की ज़रूरत पड़ती है और इसमें 3-3 वाट के 2 स्पीकर लग जाता है, लेकिन हम इसमें 8 वाट तक के स्पीकर भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है। अब देखते हैं अगला कंपोनेंट। तो गाइस ये मैंने मंगाया था N20 गियर मोटर। इसके बारे में आपने ज़रूर ही सुना होगा और देखा भी होगा समर एक्सपेरिमेंट भाई के चैनल में, उसने काफ़ी सारे इससे प्रोजेक्ट भी बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, ये गियर मोटर मुझे मिला है 99 रुपीज़ का एक पीस। तो मैंने इसे 4 पीस परचेस किया क्योंकि मुझे इसे RC कार वगैरह भी बनाना है। तो आप भी परचेस कर सकते हो। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से यही मोटर परचेस करोगे तो वहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई है, लेकिन ये मुझे 99 रुपीज़ का मिला है। तो आप भी परचेस कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और इसमें मेटल गियर लगा हुआ है, देख सकते हो हाई टॉर्क का है। और ये जो है 3.7 वोल्ट से 9 वोल्ट तक की बैटरी से ऑपरेट हो सकता है। चलिए अगला कंपोनेंट देखते हैं। गाइस ये है TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल। इसकी मदद से हम 3.7 वोल्ट की कोई भी बैटरी आसानी से चार्जिंग कर सकते हैं विद प्रोटेक्शन। तो इसमें बैटरी इंडिकेटर भी दिया गया है जो कि शो करता है कि बैटरी चार्ज हुआ है कि नहीं। तो गाइस ये मुझे मिला है 27 रुपये का एक पीस। तो ये मैंने काफ़ी सारे पहले भी मंगाया हुआ है और ये मैंने अभी भी 2 पीस मंगाया है। तो आप भी परचेस कर सकते हो। मार्केट में भी यही प्राइस में मिल जाता है 27 रुपये के आसपास, और अमेजोन फ्लिपकार्ट में तो ये महंगा मिलेगा ही। अगला कंपोनेंट देखते हैं गाइस। ये है 12 वोल्ट का DC गियर मोटर। ये मोटर जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें जो है मेटल गियर लगा होता है और यह जो है 150 RPM का है। तो कम जितना RPM होगा इस मोटर का टॉर्क उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। गाइस ये मोटर से हम काफ़ी अच्छे स्क्रू ड्राइवर मशीन या फिर RC कार वगैरह भी बना सकते हैं। एंड ये मुझे मिला है 139 रुपये का, 139 रुपीज़ का। चलिए अब अगला कंपोनेंट देखते हैं। गाइस ये है 12 वोल्ट का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी BMS। इस BMS मॉड्यूल की मदद से हम 12 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी पैक घर पर आसानी से बना सकते हैं। एंड इसका काम होता है लिथियम आयन बैटरी पैक को प्रोटेक्ट करना ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से। इस मॉड्यूल में हम 20 एम्पियर का लोड दे सकते हैं। एंड यह मुझे मिला है 169 रुपीज़ का, 169 रुपीज़ का। अगर दोस्तों आपके पास ये वाला मॉड्यूल है तो आपने कितने रुपए में ख़रीदा था मुझे कमेंट कर जरूर से बता देना। अब देखते हैं दूसरा कंपोनेंट। तो यह दोस्तों कोकोडाइल क्लिप। तो ये मैंने 5 पेयर में मंगाया था यानी इसमें 10 पीस है और ये मुझे 50 रुपये का मिला है। इसका भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती रहती है इसलिए मैंने इसे मंगाया है। तो अब चलिए देखते हैं अगला कंपोनेंट। तो दोस्तों इस पैकेट के अंदर है एक छोटा सा समर्सिबल वाटर पंप। इस वाटर पंप का खासियत यह है कि यह काफ़ी ज़्यादा छोटा है लेकिन इसमें पावर जो है काफ़ी अच्छी मिलती है। इसे हम जो है 3.7 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की पावर सप्लाई से चला सकते हैं। एंड ये दोस्तों मुझे मिला है 59 रुपीज़ का। तो इसका यूज़ हम काफ़ी जगह कर सकते हैं, जैसे कि गर्मी के दिनों में कूलर वगैरह बनाने के लिए या फिर घर के लिए एक छोटा सा वाटर फाउंटेन बनाने के लिए भी हम इस वाटर पंप का यूज़ कर सकते हैं। गाइस ये है कुछ छोटे मोटे IC और MOSFET। तो इस MOSFET का नंबर है IRFZ44N MOSFET।
इसकी मदद से हम एक छोटा सा डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर बना सकते हैं। ये मुझे 25 रुपये का मिला है। आपके इधर ये मॉसफेट कितने रुपये का मिलता है मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, मुझे इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एंड यह है दोस्तों एक 8 पिन का LM358 IC, इसकी मदद से हम एक छोटा सा 12 वोल्ट का लिथियम आयन चार्जर बनाने वाले हैं, तो मुझे मिला है 10 रुपये पर पीस। चलिए दोस्तों अब अगला सामान देखते हैं। तो इस पैकेट के अंदर है कुछ ड्रोन मोटर, तो ये देख सकते हो काफ़ी छोटे छोटे साइज का ये मोटर है, इसे कोरलेस डीसी मोटर कहते हैं। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और इसमें प्रोपेलर भी फ्री मिला है। तो दोस्तों इसका प्राइस जो है मुझे 49 रुपये मिला है, 49 रुपीज़ का ये मिला है एक पीस। तो ये इसका RPM जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ड्रोन बनाने के लिए यूज़ होता है। इसका RPM लगभग 30,000 के आसपास होगा और इसे हम जो है 3.7 वोल्ट की बैटरी से चला सकते हैं। तो इसका यूज़ हम जो है ड्रोन बनाने के लिए या फिर RC जो बोट होता है नाव, उसे बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अगला कंपोनेंट देखते हैं। दोस्तों इस पैकेट के अंदर है कुछ ट्रांजिस्टर का नंबर है 2N222। तो इस ट्रांजिस्टर की यूज़ हम जो है टेस्ला कॉइल या फिर वायरलेस एनर्जी ट्रांसफ़र जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट की वीडियो जल्दी आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना भूलना नहीं। एंड ये है दोस्तों कुछ नॉर्मल सा DC मोटर जिसका यूज़ हम अधिकतर अपने DIY प्रोजेक्ट बनाने में करते ही हैं। तो ये दोस्तों मुझे मिला है 30 रुपये का, यानी एक पीस जो है 10 रुपये का मिला है। और इसके साथ दोस्तों मैंने इसका प्रोपेलर भी मंगाया था, तो ये जो है काफ़ी सारे प्रोपेलर इसके साथ आया है अलग अलग कलर में और अलग अलग साइज़ का। दोस्तों अब जो है ठंडी दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ठंडे के दिनों में हम बनाते हैं रूम हीटर और वाटर हीटर जैसे प्रोजेक्टर। तो उन हीटर के हीट को नापने के लिए मैंने ये जो है थर्मामीटर मंगाया था डिजिटल वाला। तो देख सकते हो काफ़ी छोटा सा है और अच्छी क्वालिटी का यह थर्मामीटर है। और ये जो वायर देख रहे हो इसके ऊपर में जो है सिल्वर कलर का ट्यूब जैसे देख रहे हो, ये इसका सेंसर है। यहाँ पर जब हाथ वगैरह को रखते हैं तो ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को शो करने लगता है। देख सकते हो 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। तो इसमें जो है दोस्तों काफ़ी छोटे छोटे 2 सेल लगा होता है, तो ये काफ़ी कम करेंट कंजम्पशन करता है, तो ये काफ़ी दिनों तक ये सेल जो है साथ देगा हमारा। तो दोस्तों ये मुझे मिला है 159 रुपये का, यानी 160 रुपये के आसपास समझ लीजिए। और दोस्तों ये मैंने मंगाया था मेकर बाज़ार की वेबसाइट से। अब देखते हैं दोस्तों अगला सामान। तो ये एक छोटा सा ड्रिल चक है जो कि 0.5 mm से लेकर के 3 mm तक की ही ड्रिल बिट को सपोर्ट करता है। और ये ड्रिल चक जो है स्पेशली 555 DC मोटर के लिए बनाया जाता है। तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ये ड्रिल चक मुझे मिला है दोस्तों 139 रुपये, यानी 139 रुपीज़ का। लेकिन आप यही ड्रिल चक अमेजोन और फ्लिपकार्ट से परचेज करोगे तो वहाँ पर आप प्राइस देख सकते हो कितना ज़्यादा हाई है, प्लस आपको डिलीवरी चार्ज भी पे करना पड़ेगा। चलिए अब अगला सामान देखते हैं। यह है ड्रिल बिट सेट। तो इसमें जो है 1.5 mm से लेकर के 6.5 mm तक का ड्रिल बिट दिया गया है। तो इसका यूज़ हम जो है लकड़ी में एलुमिनियम वगैरह में होल करने के लिए कर सकते हैं। तो देख सकते हो काफ़ी सारे ड्रिल बिट दिया गया है, छोटा से लेकर बड़ा तक। तो इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए मैंने मंगा लिया है, 140 रुपये का मुझे पड़ा है। चलिए अब अगला सामान देखते हैं। दोस्तों यह है एक छोटा सा डिजिटल मीटर जिसमें हम वोल्टेज और एम्पियर दोनों देख सकते हैं। इस मीटर की खासियत यह है कि ये 1.5 वोल्ट से लेकर 100 वोल्ट तक का वोल्टेज मेजर कर सकता है एंड इसमें हम 10 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मीटर मुझे कितने रुपए का मिला होगा, तो बता दो दोस्तों ये मुझे मिला है 209 रुपये का। अदर वेबसाइट में इसकी कीमत 300 रुपये के आसपास है, तो आप प्राइस में डिफरेंस देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगले कंपोनेंट की ओर। दोस्तों ये है एक स्पीड कंट्रोलर। तो ये स्पीड कंट्रोलर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये स्पीड कंट्रोलर को हम 12 वोल्ट से लेकर के 48 वोल्ट के पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम इसमें 10 एम्पियर तक का लोड भी दे सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देख सकते हो इसकी क्वालिटी भी बहुत मस्त है। हम इसे 775 DC मोटर को तो बिल्कुल मक्खन की तरह कंट्रोल कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी प्राइस सुन लीजिए। इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 239 रुपीज़, यानी 239 रुपये। दोस्तों अगर आपके पास ये वाला मोटर स्पीड कंट्रोलर है तो आपको कितने रुपए में मिला था मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको कंपोनेंट अनबॉक्सिंग करके दिखाया है उससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पर आने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना भूलना नहीं। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे की बात पर।
कि मैंने इस सभी कंपोनेंट को कहां से ख़रीदा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे मैंने मेकर बाज़ार की वेबसाइट से ख़रीदा है। और दोस्तों इसी वेबसाइट से रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई थी अनबॉक्सिंग की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यानी कमेंट आया था कि उसमें जो है फ्री डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप 500 से ऊपर का ऑर्डर करते हो तभी आपको उसमें फ्री डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा, प्लस आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं 500 से ज़्यादा का ऑर्डर करता हूँ और ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है और डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, एक साथ काफ़ी सारे कंपोनेंट मंगा सकते हो। अलग अलग वेबसाइट से ख़रीदने से अच्छा है कि एक ही वेबसाइट से ख़रीद लो, और इस वेबसाइट में तो पहले से ही सभी सामान का कीमत कम है, तो आप देख सकते हो। और सबसे बेटर रहेगा कि आप अपने लोकल मार्केट में ही मिलता है तो कंपोनेंट बाय कर लो। तो अगर आपको पहली वाली अनबॉक्सिंग देखना है तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और वीडियो देखो, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही नहीं। बाय।